हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HR515। कैसे आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने एक छोटा सा एक ट्रैवल व्लॉग जो कि मैंने बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली हम ना एक चिकमंगलूर में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है बालेहुन्नूर। वहाँ पर हम कुछ फंक्शन के लिए गए थे। फंक्शन अटेंड करने के बाद हम ऑन द वे वापस आते वक्त श्रृंगेरी, जो कि कर्नाटक का एक फेमस टेंपल है, वहाँ पर हम गए। शारदा माँ का एक टेंपल है, वहाँ पर हम गए थे। वहीं की कुछ पिक्चर्स या वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो वही रूट है जो कि अंदर का रूट है जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सी वो व्यू थी और नेचर भी बहुत सुंदर सा था। रिसेंटली मैंने एक आप लोगों के साथ चिकमंगलूर की ना वीडियो मैंने शेयर की हुई थी, पर वहाँ पर ना वो अलग घाट से हम गए थे जो कि चारमाड़ी घाट है। पर ये जो घाट है वो आगुम्बे, उस घाट का नाम है आगुम्बे। उस वे से जब हम आ रहे थे वहाँ पर बहुत सारे कॉफ़ी के एस्टेट और टी के एस्टेट हमें दिखने मिले। कहीं जगह पर हम एक दो जगह पर ना हम रुक के ना कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह हमने ली, पर ये जाने का वीडियो था हमारे पास उतना वक्त नहीं था। ऑन टाइम हमें वहाँ पर जाके पहुँचना था। थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग ही मैंने इसमें ऐड की है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, यही मैं समझूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे था तो प्लीज़ लगा तो प्लीज़ आप ना प्लीज़ इस व्लॉग में ना आप कमेंट करके मुझे बताइए। एक्चुअली मेरी हेल्थ ना कुछ ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसीलिए मैं बहुत दिनों से वीडियोस मेरे मोबाइल में थी तो सोचा मैंने कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। होप कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि नेचर किसको अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी तो बहुत पसंद था और हम भी सिर्फ नेचर एंजॉय करने के लिए गए थे। एक्चुअली मैं इसलिए गई थी क्योंकि पिछली बार हम गए थे तो बहुत सारे प्लांट्स हमें ऑन द वे ही दिखने मिले थे, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टी और कॉफ़ी के एस्टेट हमें मिले और फाइनली अब हम श्रृंगेरी जो कि टेंपल के सराउंडिंग है वहाँ पर हम पहुँच गए। ऑलरेडी आपको दूर से दिख रहा होगा एक हैंगिंग ब्रिज वहाँ पर था और बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे थे। यहीं पर ये जो है ना ई एरिया, जो ये जो एरिया है यहाँ पर पार्किंग एरिया है और बहुत सारे छोटे छोटे से यहाँ पर ना शॉप्स वगैरह है आपको रिजनेबल रेट में यहाँ पर। बच्चों, अगर बच्चे आपके साथ आ गए हो ना तो बच्चों का तो बच्चों की तो जैसे लॉटरी लग गई। बहुत सारे टॉयस वगैरह के बहुत सारे शॉप्स है, तो चलिए आप भी देखते रहे कि क्या क्या है यहाँ पर। मैंने डिटेल नहीं निकाला है ऑन द वे जब जाते वक्त, कुछ कुछ मैंने कैप्चर किया हुआ है इसमें। अगर आप श्रृंगेरी आएंगे तो आपको इतनी पीस वहाँ पर मिलेगी जो कि मैं बता नहीं सकती। अगर आप जाएंगे ना तभी आपको वो फील आएगी। एक्चुअली यहाँ पर ऑन द वे ना बहुत सारे जो कि छोटे छोटे से शॉप्स हैं जो कि पूजा की सामग्री भी मिलते हैं, कुछ टॉयस, ज्वेलरीज, फैंसी ज्वेलरीज, कपड़े, ऐसे सब कुछ वहाँ पर मिलता है। और ये जो यहाँ पर आपको यात्री निवास करके एक जो बिल्डिंग है वहाँ पर आप गेस्ट रेजिडेंशियल एरिया है, वो वहाँ पर आप रह सकते हैं। जो श्रृंगेरी में फेमस थी मछलियाँ, यहाँ पर अभी मैंने जो दिखाया और अभी मैं मुटके आपको दिखा रही हूँ ना आगे जाके, वहाँ पर ये जो क्या कहते हैं उसे, मुझे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है उसका वर्ड। वो ना हम लेके मछलियों पर डालते हैं, 10 रुपये की हमने एक पैकेट लिया। एक्चुअली वहाँ पर बहुत सारे मछलियाँ हैं श्रृंगेरी में, श्रृंगेरी के लेक में, पर इस वक्त वो जो है ना काउंटर क्लोज हो चुका है 2 साल से कोरोना के बाद। यहाँ पर मैं ये बिंदी डाल रही थी क्योंकि 50 रुपीज़ की एक पैकेट थी और उसमें ना वो हमें बिंदी डाल के दिखा रहे थे कि बिंदी कैसी लगती है। मैंने सोचा कि मैं भी लगा लूँ।
ये एंट्रेंस श्रृंगेरी टेंपल की है, यही है वो एंट्रेंस। यहाँ से अंदर आते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो वहाँ पर जो बच्चों छोटे छोटे बच्चों का ना पहला जो लिखाते अक्षर ज्ञान जो है ना वहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंपल के अंदर जाने के लिए कितनी लंबी क्यू है। सो हम नहीं जा पाए, हमने सोचा कि हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। और मैं ना एक्चुअली 11 साल के बाद आई थी इस टेंपल के विज़िट के लिए, क्योंकि जब मेरी बच्ची छोटी थी हम जो टीचर्स थे सारे, हमारा पिकनिक था वहाँ पर, और मेरे सारे टीचर्स ने ना मेरी बच्ची को वहीं पर जो फर्स्ट राइटिंग होती है ना शारदा माँ की, ये शारदा माँ की टेंपल है, सो वहीं पर उन्होंने करवाई थी। सो 11 साल के बाद एग्जैक्टली, अभी उसे 12 साल हो गए, तो 11 साल के बाद मैं यहाँ पर आई थी। तो बहुत सारे चेंजेस थे, इतने टेंपल वगैरह था अंदर नहीं, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा है, पर मैं क्या करूँ, मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई। यहाँ पर जो है ना आपको दिख रही वो एक रॉक से बनी हुई टेंपल है, जो कि एक ही रॉक में ना इतनी अच्छी कार्विंग उन्होंने की है। जितना हो सका उतना मैंने कैप्चर किया है, सराउंडिंग भी कैप्चर किया है, पर हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ थे सो मुझे ज़्यादा यहाँ पर कैप्चर में नहीं कर पाई, जितना हो सका उतना मैंने किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कार्विंग कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर इसकी कार्विंग है, और बस आप देख के आए, क्योंकि अंदर वीडियो अलाउड नहीं था, कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने कैमरा बंद किया, क्योंकि हमें भी कुछ रेस्पेक्ट देना ही है। देखने वाले तो कोई नहीं थे, निकाल सकते थे, पर मैंने नहीं निकाला। अच्छा लगेगा ना जब हम रूल्स कुछ फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो लेक है ना वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी लेक है, जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस लेक है। पर हमने सुना था कुछ सालों पहले, कोरोना से पहले, एक जो इंसान है ना उस इंसान ने विष डाला था उस मछलियों को, और बहुत सारे मछलियाँ उसमें से मर गई थी। तो बहुत ही बुरा है ना, ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं करता है कि नहीं। और उसके बाद कोरोना आ गया तो उन्होंने क्या किया, सारे जो एंट्रेंस गेट तो नीचे तक हम जा रहे थे ना वो सारे उन्होंने बंद कर दिए, हम नीचे नहीं जा पा रहे थे। तो मेरी बेटी ना बहुत ही सैड फील कर रही थी, उसे उस मछलियों को देखना था। पहले जब हम 11 साल पहले गए थे तब वहाँ हम नीचे तक हम गए थे, और वो बेचारे हाथ में वो जो दाना होता है ना मछलियों का डालना, वो उसके हाथ में ही ना पकड़ कर वहीं पर वेट कर रही थी, जबकि हमें उस वॉचमैन ने कहा कि आप ना यहीं पर एक उन्होंने बोरी रखी थी, उस बोरी में आप डाल सकते हो, और देखिए यहीं पर वो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि उस बोरी में डालो, वो जाके उन मछलियों को डालेगा, तभी हम दूर से ही उन मछलियों को देख सकते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां हैं वहां पर, सो मेरी बेटी उसमें डाल रही है। मैंने बहुत ट्राई किया जूम करने के लिए, पर जूम करते करते ना सिर्फ एक ग्रिल ही दिख रहा था। होप कि आप सब लोगों को मछलियाँ दिख रही हैं, बहुत सारी मछलियाँ वहाँ पर हैं, और वो भगवान की देन मानी जाती है, उन्हें कोई भी नहीं खाता है, पर उन्हें बहुत रेस्पेक्ट देते हैं उन मछलियों को। कुछ स्पेशलिटी है वहाँ की, जो कि मैंने ना बहुत थक गई थी मैं, सो मैंने उतना डिटेल में वो नहीं गई। आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पर, वहाँ पर आपको उसकी हिस्ट्री ज़रूर मिलेगी। पर अगली बार यहाँ पर आप देख सकते हैं वो मछलियाँ कैसे उछल रही हैं दानों के लिए, उस आदमी ने ना उस इंसान ने वॉचमैन ने वहाँ पर डाला था जो मछलियों को, और मछलियाँ देखी यहाँ पर उस दाने खाने के लिए कितनी इकट्ठा हो गई। सो यही जो मेरे हम पास से देखना चाहते थे, पर क्या करें नहीं हो पाया। होप सब कुछ ठीक होने के बाद एक न एक दिन हम ज़रूर फिर से अगले 2-4 साल के बाद फिर वहीं पर जाएंगे। और मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो के लिए ना बहुत अच्छे प्रिपरेशन करके सारा जो ट्रैवल व्लॉग एक व्लॉग की तरह ही बनाऊंगी, क्योंकि अब मेरे पास माइक वगैरह कुछ भी नहीं है, ना कि ट्राईपॉड भी है, था बट वो ख़राब हो गया, और मैंने बच्चों के क्लासेस अब ऑनलाइन शुरू हुए ना तब ना पूरा उसी पे ध्यान गया, व्लॉग वगैरह करना तो बहुत ही कम होने लग गया।
सो फिर से सोचा कि महीने में एक बार कहीं पर ही पर लोकली वन डे ट्रिप बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी मछलियाँ भी थी और ये हम अभी वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी लंबी क्यू है, अभी भी वो क्यू ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वहाँ पर आप देख अक्षर अभ्यास मंडपा जो कि वहाँ पर अक्षर का जो ज्ञान ना वहीं पर देते हैं। और ये जो मैंने कैप्चर किया वो है जगतगुरु श्री भारती जहाँ पर याग चलता है ना वहाँ का वो मंडप था। सो मैंने कुछ कैप्चर किया वहाँ पर, कोई क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कहीं पर नहीं था, सिर्फ टेंपल के अंदर रिस्ट्रिक्शंस थे कि हम वहाँ पर कोई भी फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते थे। पर जितना मुझसे हुआ ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सारा जो एरिया है वो जहाँ पर याग वगैरह चलते हैं, यज्ञ वगैरह चलते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी बहुत लंबा है। सो मैं एक ही वीडियो में पूरा आपको दिखाना चाहती हूँ, दो दो तीन तीन वीडियो में नहीं डालेंगी। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गार्डन दिखने मिला और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। रोज़ के प्लांट्स, कुछ क्रोटन के प्लांट्स है, स्पेशली इस बार हम जब गए ना बहुत सारे टी एस्टेट और कॉफ़ी एस्टेट हमें मिले। ये जो प्लेस है ना ये इसका सभा भवन जो कि इसका हॉल टाइप है टेम्पल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं उतनी बहुत बड़ी जगह नहीं है यहाँ पर, सो वही उसका शायद सभा भवन होगा। ये एंट्रेंस, इनसाइड की एंट्रेंस है जो आप देखिए। अभी यहाँ पर भी कुछ बिल्डिंग है, बहुत सारे बिल्डिंग बने हुए हैं ना, पहले इतने 10 साल पहले इतने सारे बिल्डिंग वहाँ पर नहीं थे, शायद उसके बाद वो बने हैं। यहाँ पर एक बहुत ही एंटिक पीस की तरह घर की तरह वहाँ पर दिखा मुझे, पर पता नहीं है क्या है, शायद वहीं वहाँ पर कोई लोग रहते होंगे या स्वामी जी वगैरह रहते होंगे, उनका एरिया होगा वो मुझे नहीं पता है। पर बहुत ही सुंदर सा था और क्रोटन्स वगैरह भी बहुत सुंदर से, गार्डन वगैरह जो कि ग्रीनरी वहाँ पर दिख रही थी, बहुत ही सुंदर से ग्रीनरी दिख रही थी। ये जो हम अभी आ रहे हैं ना ये यहाँ की एग्ज़िट है। एग्ज़िट में भी ना बहुत सारे अंदर अंदर बहुत छोटे छोटे टेंपल्स वगैरह दिख रहे थे। पूरी जगह पर हम नहीं जा सके, पर मैंने ओवरऑल जो कुछ भी वहाँ पर था वो सारा कैप्चर करना मैंने ट्राई किया और मैंने कैप्चर भी किया है। वह कुछ कुछ जगह पर ना ऐसे कुछ कुछ क्रोटन्स वगैरह थे तो दिखने के लिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये शायद किसी कहीं पर जाने की एंट्रेंस है या भोजन जो शाला होती है ना वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी है। जो यहाँ पर आगे जो दिख रहे हैं ना वो सारी भोजन की शाला है, वहाँ पर जाके ना लोग जाके अन्न का प्रसाद कर सकते हैं। इस तरफ है देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ना, ये सारी जो एरिया है जो भोजनशाला की है जहाँ पर फूड वगैरह वो देते हैं, सर्व करते हैं। और वहीं से वापस आते ही हम बाहर एग्ज़िट पे जा रहे थे, तो फिर से मैंने आप लोगों के लिए कुछ कैप्चर किया है, तो ज़रूर आप लोग उसे देख लीजिए। यहाँ पर अगर आएंगे ना तो टॉयलेट ना एग्ज़िट की तरफ है, देखिए इस तरफ टॉयलेट्स वगैरह हैं। गार्डन ना एंट्रेंस में तो कुछ भी नहीं, पर एग्ज़िट में जाते हैं ना बहुत सारा गार्डन मुझे दिखा, मुझे बहुत ही सुंदर सा भी लगा और बहुत बुशी हो गया था शायद उन प्लांट्स को अच्छा फर्टिलाइज़र वगैरह दे रहे होंगे। सो दिस वाज दी एग्ज़िट, ये एग्ज़िट है। यहीं से अभी हम फिर से एंट्रेंस की तरफ आ रहे हैं, एंट्रेंस की तरफ आते हैं बहुत सारे, फिर से आपको एग्ज़िट के पास से ना आपको ये सारे शॉप्स मिलेंगे जो कि वुडन टॉयज़ के हैं। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन आर्टिकल्स भी यहाँ पर मिलते हैं, टॉयज़ वगैरह बहुत सारे शॉप्स हैं। सो
बच्चों को अगर आप यहाँ पर लेके आएंगे ना, तो बच्चों के लिए तो जैसे फीस्ट ही है, बच्चे तो बहुत इन्जॉय करेंगे टेंपल के अंदर भी और बाहर भी। पर ये जो प्लेस है ना, बहुत ही कूल एंड काम प्लेस है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। यही यहाँ पर भी ना एक होम स्टे की तरह जो कि रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर आप जाके रह सकते हैं। जो कि टूरिस्ट वगैरह हैं वो वहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर एक ऑफिस है उनका, जो कि टेंपल की डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑफिस है। वहाँ पर आप जाके अगर आपको इमरजेंसी पड़ी तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ना, वो एंट्रेंस है, जो कि बाहर वाली एंट्रेंस और अंदर वाले एंट्रेंस सेम है। कितनी अच्छी वहाँ की कार्विंग है, आप खुद ही देख लीजिए कितने अच्छे से उन्होंने वहाँ की कार्विंग की हुई है। और बहुत ही फेमस टेम्पल है, बहुत ओल्ड टेम्पल है। उसके बाहर ना ये जो हम तो यहाँ पर इसे गिरगिट कहते हैं, पता नहीं आप उसे क्या कहते हैं, और कुछ छोटे छोटे टॉयज थे वो मुझे दिखने बहुत ही सुंदर लगे, और बहुत दिनों के बाद मैंने देखा था। एवरी ईयर हमारे यहाँ तो फेस्टिवल होता है, और बहुत सारे फेस्टिवल में ये सारे आते हैं, पर कोरोना आने के बाद ना, सो हमने बहुत टाइम के बाद ही देखा था। आप वहाँ पर देख सकते हो वो इंसान कैसे शर्मा रहा है, उनकी तो रोजी रोटी थी, हमने भी उसमें से कुछ ले लिए बच्चों के लिए। और ये जब मेरी बेटी थी, वहीं से हम वापस आ रहे थे हमारे ट्रैवलर की तरफ, तब जो भी फिर से मुझे कैप्चर करना लगा मिला, वो सारा मैंने यहाँ से यहाँ पर मैंने कैप्चर किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे थे, अपने मम्मी पापा के साथ आए हुए थे। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आते वक्त तो कोई भी नहीं था, पर जाते वक्त बहुत सारे लोग थे। यहाँ पर हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो सारी ना इयररिंग्स वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, हमने भी दो इयररिंग्स लिए, क्योंकि बाकी जो सारे लोग थे वो आगे चल रहे थे। ये जो सारी इयररिंग्स थी, सारी की सारी इयररिंग्स को ना 50 rupees वो बता रहे थे। ये जो शॉप ना, उसमें बहुत सारे फूड आइटम्स थे, जो कि स्वीट्स भी थे, हलवा खजूर हो प्रसाद भी यहाँ पर मिलता था, जो कि जो जाके भगवान को चढ़ाना था वो भी यहाँ पर मिलता था, और हल्दी भी थी और स्पाइसेस भी थे। उसी के पास रीज़नेबल रेट था, कोई कॉस्टली नहीं, यहाँ पर भी ना बहुत ही रीज़नेबल रेट थे, पर मैंने ज़्यादा नहीं खरीदा क्योंकि ये सारे जो ना वुडन आइटम्स के थे। पर बुद्धा जो था बड़े वाले 1500 के थे, और उतने छोटे वाले 800 वो बता रहे थे, सो मैंने नहीं ली, मेरे पास ऑलरेडी थी। और सारे वुडन आइटम्स बाकी जो थे वो तरे रिजनेबल रेट के थे, 150-200 के आसपास ही थे। सो आप देख सकते हैं, अगर आप आएंगे तो इस शॉप को भी ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि इस टाइप के ना शॉप को ना उतने लोग नहीं जाते हैं, बच्चे भी तो नहीं जाते हैं, जिनकी टेस्ट होती है वही जाते हैं। सो आप प्लीज़, हर एक को इन चीज़ों की भी कुछ टेस्ट होनी चाहिए, तो आप ज़रूर लेना। और इसमें ना बहुत अच्छी चटनी वगैरह बनती है, तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैंने बहुत सारे पहले खरीदे, उसे 150 वो बोल रहे थे, 180 उन्होंने कहा था, और मेरे फ्रेंड को शायद उन्होंने 180 में 150 में शायद दिया होगा। ये सारा जो एरिया ना, ये टॉयज़ का एरिया था, यहीं से हम अभी वापस जा रहे थे। वापस जाते वक्त ना एक हैंगिंग ब्रिज मैंने कहा था ना, सो हैंगिंग ब्रिज भी हम गए। ये जो शॉप था बड़ा वाला, बहुत ही स्पाइसेस का शॉप था, पर कोई भी वहाँ पर विज़िट नहीं कर रहा था बेचारे, मुझे बहुत ही बुरा भी लगा, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर आते वक्त कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं कर दिखता है ना। स्पाइसेस टूरिस्ट प्लेस में अच्छा लगता है, ये भी टूरिस्ट प्लेस है, पर ऐसे ओपन रखा हुआ तो कोई कभी कभार बहुत कम ही लोग लेते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे शॉप्स जो थे टी स्टॉल के, बेचारे वैसे ही बैठे थे, कोई भी नहीं खरीद रहा था। जो कि एंट्रेंस के पास थे उनकी लॉटरी, बहुत सारे लोग वहीं पर जा रहे थे, मुझे पता भी नहीं था, ये थोड़ा दूर था। अब जाके आके हमने ना ये
हैंगिंग ब्रिज जो है ना एंट्रेंस के एग्जैक्ट ऑपोजिट ही है, वो वाला एंट्रेंस है और ये वाला हैंगिंग ब्रिज है। बहुत सारे लोग इसको पूरा व्यू मुझे मैं नहीं क्लिक कर पाई, और अगर बारिश के वक्त में लेती तो शायद बहुत और भी बहुत सुंदर वो दिखता, पर उतना पानी वहाँ पर नहीं था। और ऊपर पैर रखते ही बेचारे सभी लोग ना फोटो खींचने के लिए तैयार बैठे थे, शायद मुझे लगा कि हमने उन लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, तो बस ऐसे ही खड़े हो गए सभी लोग। तो हम उन्हें क्रॉस करके आगे गए ताकि वो भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींच सके। यहाँ पर आप देख सकते ऐसा कुछ व्यू था हैंगिंग ब्रिज का। कुछ लोग ना वो शेक कर रहे थे, वो शेक करना अच्छी बात नहीं है, है कि नहीं? तो थोड़ा डर सा लगा मुझे, क्योंकि बैड लक कब हमारे पास, हम बैड लक के पास कब चले जाते हैं वो किसी को नहीं पता होता। बैड लक तो हमें ढूंढ के नहीं आता, कभी कभार हम खुद ही बैड लक को ढूंढ के चले जाते हैं। तो मुझे थोड़ा डर सा लगा और हम उतर के नीचे आ गए, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग हैंगिंग ब्रिज पर आ गए बाद में। सो ये वो क्लिप थी जो कि हमारी थी, हम फ्रेंड्स ने कुछ करी थी, कुछ फ्रेंड्स से उन्हें ने हमने खींची थी, हम पर मेरी बेटी भी आप देख सकते हैं, और बहुत एंजॉय किया। अगर आपको एंजॉय करना है ना तो प्लीज़ आप कुछ ऐसी जगह पर जाए, वहाँ पर आपकी ना मेंटल स्ट्रेस जो है आपका वो कुछ कम हो। अभी वैन में हम बैठे और वैन से वापस घर की तरफ आ रहे थे, सो ये सारी क्लिपिंग में यहाँ पर अभी कैप्चर कर रही हूँ। ट्रैवलिंग की बात मैं आपको कहूँगी कि हमें उतना खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि हम उडुपी से यहाँ पर आ गए थे, तो पूरे हमें 3 घंटे ट्रैवल लगा, 3 घंटा हमें लगा आने में और 3 घंटा वापस जाने में हमें लगा। सो यहाँ पर एक जो सनसेट व्यू का एक पॉइंट था, ये आगुम्बे घाट है, सो वहाँ पर भी जाते वक्त शायद मेरे क्लिप में थोड़ा सा मैंने लिया हुआ था, वापस आते वक्त ना मुझे वो लेना ही था, पर हमारा बैड लक था कि 10 मिनट के पहले ही यहाँ पर सनसेट हो चुका था। सो वो व्यू हमें नहीं मिला, पर बहुत साल की इच्छा थी मुझे, वो 10 साल पहले भी मैं यहाँ पर आके मैंने नहीं देखा था, पर इस बार मुझे वो देखने को मिली और मुझे वो चांस मिला। सो हम लोगों ने देख लिया पूरा का पूरा व्यू। सो कुछ इस तरफ था, डेड एंड पॉइंट है, नीचे रोड्स थे और ऊपर आगे जो थी पहाड़ी पहाड़ियाँ थी। सो बहुत ही अच्छा व्यू था। सो आप लोग भी ना कभी कभार फैमिली और फ्रेंड के साथ आ जाइए करें, जाए करें, ताकि आपको भी ना कुछ तसली हो। मेंटल पीस बहुत ही ज़रूरी है अभी इस कोरोना के दौरान में। देखिए एक बार तो कोरोना आके चला गया, पूरा जो लाइफस्टाइल थी वो सारी की सारी पूरी चेंज करके चला गया, अभी फिर से वो आ रहा है। वो इधर उधर न्यूज़ मिल रहे हैं कि फिर से कोरोना बीमारी फिर से वापस आ रही है कुछ नया रूप लेके, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो अभी वक्त है पर आप ना अपना ख्याल रखा करें, मास्क डालिए, सैनिटाइज़र लगा के रखिए, लाते जाते वक्त भी ना लेके रखिए, जहाँ पर भीड़ भाड़ हो वहाँ पर मास्क मत उतारिए। फ़ोटो के लिए तो ठीक है, बाद में मास्क डाल लीजिए। और फूड पानी यहाँ पर भी यही हुआ था, मैंने भी ना पानी में लेके गई थी मेरे और मेरी बेटी के लिए स्पेशली, मैंने हमने कोई भी बाहर का पानी नहीं पिया अदर देन चाय के बगैर। सो ये ना वही घाट की ना वापस आते वक्त की क्लिपिंग मैंने यहाँ पर ऐड किया, बहुत ही नैरो रोड से और बहुत ही डर लगता है यार सच में। चारमारी घाट से भी डेंजर है आगुम्बे की घाट, तो बहुत ही डर सा लग रहा था आते वक्त, क्योंकि बहुत ही फास्ट व्हीकल्स वगैरह आ रहे थे और रात भी हो चुकी थी। बहुत लंबा वीडियो बनाया, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना,
और कहाँ का वीडियो आप अगली बार देखना चाहते हैं वो ज़रूर मुझसे शेयर करना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोगों के साथ में मेरा अगला वीडियो भी शेयर करूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखना। गार्डनिंग का वीडियो मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं थोड़ी बिजी और मसरूफ़ी हूँ। गार्डनिंग तो मैंने नहीं छोड़ी, गार्डनिंग कर रही हूँ पर वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिल रहा है मुझे। सो ये जो ट्रैवल ब्लॉग था इसी मैंने एक ही वीडियो में सारे जो क्लिप्स हमने ऐड किए हैं। सो होप आपको अच्छा लगा होगा। सो बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।